दुमका की रहने वाली अंकिता अपनी ज़िंदगी से जंग ज़रूर हार चुकी है, मगर उसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि जिसने भी यह काम किया है, जिसने भी यह अपराध किया है, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई के तहत फांसी की सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। इसकी उन्होंने ज़रूर न्यायालय में इस बात को रखेंगे। हम लोग सीधे सुनते हैं कि अंकिता के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्या कुछ कहा है। देखिए, अंकिता की मौत का हमें बहुत दुख है, ये विभत्स घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मैं आपके माध्यम से ज़रूर विश्वास देता हूँ कि जिन कातिलों ने इस तरह की दर्दनाक, शर्मनाक और विभत्स करने वाली हत्या की है, उन कातिलों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए सरकार वचनबद्ध है और इसको स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा समयबद्ध तरीके से। समय कम से कम समय में इनको फांसी की सज़ा तक पहुंचाने के लिए हम लोग माननीय न्यायालय में अपनी पक्ष रखेंगे, पहला। दूसरा, पीड़िता परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है, वो हमारी बहन जैसी है। तीसरी बात कि जो आपने इलाज संबंधी कहा है, उनको बेहतर से बेहतर इलाज करवाने की व्यवस्था थी, इलाज की कोई कमी का कारण नहीं है। लेकिन हाँ, जिस सरफिरे ने ये कांड किया है, वैसा कांड फिर और नहीं हो, इसके लिए समाज के लोगों को सजग होना होगा। और झारखंड के लोग शरीफ लोग, सरल लोग, मृदु लोग, वो कभी इस तरह की घटिया हरकत करने वाले को माफ़ नहीं करते हैं। तो भविष्य में नहीं हो, इसके लिए लोगों में जागृति भी लानी होगी। तो आपने यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को स्पष्ट रूप से सुना, उन्होंने यह ज़रूर कहा है कि रिम्स में कोई भी मेडिकल की परेशानी नहीं थी, वहाँ पर इलाज में कोई कमी नहीं रखी जा रही थी, मगर इस तरीके की जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही शर्मनाक है जो हुआ है। झारखंड के लोग कभी भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेंगे जो इस तरीके के काम करते हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।